केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि आज का दिन सभी भाजपा शुभचिंतकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रमुख जेपी नड्डा भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करेंगे। आपको बताते चले कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए पार्टी सिर्फ कागजों पर बनी एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में इतने क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं कि देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। दलों में अनूठी पार्टी है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे लिए संगठन एक महज कागज पर बनी हुई प्रक्रिया नहीं है, हमारी पार्टी का प्राण है, आत्मा है। और आज संगठन पर्व की शुरुआत, नए संगठन की रचना की शुरुआत सदस्यता से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं, विशेषकर इस 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युग परिवर्तनकारी फैसले हुए, हर क्षेत्र में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और 2047 तक एक नए भारत की रचना, विकसित भारत की रचना और विश्व में सर्वप्रथम भारत की रचना, इसका सपना नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ की हमारी जनता को दिया है। वो सपने को चरितार्थ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें, संगठन मजबूत बनाए और हमारी जो कार्य संस्कृति है, संगठन के माध्यम से ही हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाना और संगठन के माध्यम से ही सरकार में हमारी विचारधारा का क्रियान्वयन करना, वो कार्य संस्कृति को फिर से एक बार नया बल देने का समय है। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी शुभेच्छक, देश के सभी नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और हमारे संगठन को एक नई ऊंचाई के शिखरों तक ले जाए। सदस्यता इस बार भी मिस कॉल से होने वाली है और बाद में आप पर जो SMS आएगा उसमें आपका संपूर्ण ब्यौरा आप भर देंगे तो पार्टी को जिम्मेदारी देने में, आपका पार्टी के साथ जुड़ाव करने में और आपकी शक्तियों का उपयोग करने में बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मिस कॉल तो जरूर करिए परंतु डेटा को भी अपलोड करिए और नए भारत के निर्माण में जुड़िए, विकसित भारत के निर्माण में जुड़िए, भारत को महान बनने के स्वप्न के साथ जुड़िए, यही मुझे कहना है। भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक को प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 1,62,000 बूथ हैं, उन सभी पर सदस्यता अभियान चलेंगे। सक्रिय सदस्य वही होंगे जो मिनिमम 100 सदस्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम पहले से ही सदस्य हैं लेकिन पुनः साधारण सदस्य के रूप में जो पार्टी ने एक निश्चित सीमा तय की है इस समय तक और उस कार्यक्रम को पुनः रिन्यूअल कराने की दिशा हम फिर इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ सदस्यता अभियान, दूसरी तरफ भारत और भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो दो बातें बहुत साफ आ जाती हैं। भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर कैडर आधारित पार्टी है और भारत के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो भारत की माटी से जुड़ करके
भारत के महापुरुषों से लेकर के भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है, और इसलिए यह पार्टी न केवल वर्तमान में पूरे देश के अंदर अपना सर्वव्यापी स्वरूप बनाने में सफल हुई है, बल्कि सर्वस्पर्शी भी बनी है, सर्वदेशिक भी बनी है, और समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस यात्रा के दौरान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूर्या ऑडिटोरियम में सशस्त्र सेना दिवस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना के एकजुट प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हमारे देश की सेवाएं सुरक्षित हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल सिर्फ एक रक्षा संरचना नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा कि एक मजबूत नींव भी है। होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा हर स्थिति में करने में सक्षम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई है, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। खड़गे जैसी चीज के साथ मुलाकात करनी थी, संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था और आज वक्त मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी सर। जातीय जनगणना पे सर आरएसएस का बयान आया है, कैसे देखते हैं उसको? अरे विपक्ष के लोग हैं, वो तो अपना बयान देंगे, अपने बयान पर रहने दीजिए, हमें अपने काम करने दीजिए। बाकी सब कुशल मंगल, शांतिपूर्वक और आगे मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाएं और चुनाव भी लड़ें, इसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैं लालू यादव को और उनके बेटे तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा में आरक्षण पर चर्चा हो रही थी और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तब तत्कालीन कांग्रेस नेता राजीव गांधी ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का विरोध किया था। राजद और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। भाजपा ने जनसंघ के जमाने से आरक्षण नीति को स्वीकार किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। गांधी जी पानी पी कर पिछड़ों के आरक्षण का विरोध कर रहे थे, उसी कांग्रेस के साथ जो आरक्षण के विरोधी रही है, जो गरीब गुड़वों के हक मारने में ही विश्वास रखती थी, उसके साथ सरकार में सम्मिलित होकर लालू जी ने जो पाप किया है और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं, यह लोग जानते हैं। आरक्षण विरोधी कोई है तो कांग्रेस है, आरजेडी है। आरक्षण की नीति को आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के जमाने से स्वीकार किया था।
और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए, उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर आरक्षण की नीति को और मजबूत किया है। पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को जो आरक्षण भीम साहब अंबेडकर जी ने जो प्रावधान किया था, उसका प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैसे संस्थानों में, जगहों में जहां आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वहां यह आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई कर दी गई थी, वहां भी उन्होंने लागू किया। क्यों नहीं, लालू जी ने पहले लगातार लालू जी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार में रही है, क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? क्यों कांग्रेस के वो उस ऐसी पार्टी जो लगातार आरक्षण के विरोध करती रही है, उसके साथ गठबंधन की सरकार करती रही? और भाजपा के सदस्यता अभियान पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये प्रोपोगंडा है और जब एक बार कोई पार्टी का सदस्य बन जाता है तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है, जनता को भ्रमित करने का तरीका है। देखिए, मैं इसमें सीधे कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्रोपोगंडा है। जब एक बार कोई सदस्य बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य बन गया या मैं सदस्य हूँ, तो बार बार सदस्यता थोड़ी ली जाती है, सदस्यता एक बार होती है। ये केवल प्रोपोगंडा है और केवल जनता को भ्रमित करने के तरीके हैं। ये पूरी तरीके से केवल जनता को भ्रमित किया जा रहा है। काम करना है, विकास करना है, काम विकास पे काम नहीं। शहर को आपने टोटो, बनारस को व्यापार में टोटो दे दिया, टोटो का शहर बना दिया आपने। ये पूरी तरीके से प्रोपोगंडा है, भ्रम करने का तरीका है। योगी जी कह रहे हैं संत सत्ता का लोभी नहीं होता है, क्या कहां इशारा? निश्चित तौर से संत महापुरुष होता है हमारे यहाँ, और जो गिरुआ पहन लेता है उसको हम पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर यहाँ योगी जी और भाजपा में लोग गिरुआ पहनकर पूरी तरीके से झूठ बोलने का काम, और पूरी तरीके से संत समाज को, पूरी तरीके से मैं इतना ही कहूंगा कि जो संतों के प्रति लोगों के आदर, जो सम्मान का भाव रहा है, उसको मैं समझता हूं जब से ये लोग बने हैं तब से काफी इन लोगों ने उस पर जो है लोगों को काफी तरीके से तोड़ा मरोड़ा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से जारी शिक्षा क्रांति के चलते दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज सीमापुरी में विश्वामित्र सर्वोदय कन्या विद्यालय में दो नए ब्लॉक का उद्घाटन किया है। इस दौरान दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे, और इस मौके पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में शायद ही किसी प्राइवेट स्कूल में लिफ्ट होगी, लेकिन हमारे बच्चों के लिए इस स्कूल में लिफ्ट लगाई गई है। मैं आपको ये भी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अभी जब हम स्कूल का दौरा कर रहे थे तो ये भी तय हुआ है कि पहले तो सिर्फ बॉयज स्कूल में साइंस स्ट्रीम थी, लेकिन अब इतनी शानदार लैब्स बन गई हैं कि गर्ल्स के लिए भी मॉर्निंग शिफ्ट में साइंस स्ट्रीम की शुरुआत करी जाएगी हमारी ओल्ड सीमापुरी की लड़कियों के लिए। हमारे इस स्कूल में एक शानदार लाइब्रेरी है, और ना सिर्फ इतना, और मुझे लगता है कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं होगा, इस स्कूल बिल्डिंग में हमारे बच्चों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। हमारे बच्चे तीसरे तल्ले तक लिफ्ट में भी जा सकते हैं। आपने सुना था पहले कभी कि किसी सरकारी स्कूल में लिफ्ट है? सुना है पहले कभी किसी प्राइवेट स्कूल में? सुना है? नहीं सुना। लेकिन ऐसे शानदार स्कूल बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के बारे में ना सिर्फ सोचा बल्कि उसको साकार करके दिखाया। मुझे पता है कि चाहे ओल्ड सीमापुरी हो, चाहे न्यू सीमापुरी हो, चाहे दिलशाद गार्डन हो, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा आबादी है। जब बहुत ज्यादा आबादी होती है तो सरकारी स्कूलों पर भी उतना ही प्रेशर होता है। और अभी हमारे इस एसकेवी विश्वामित्र स्कूल में, क्योंकि कमरों की कमी थी तो हर क्लासरूम में 60-60 बच्चों को बैठना पड़ रहा था,
क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज इस दो नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद जो स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है, यानी हर क्लासरूम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, वो 60 से घटकर 40 पे आ गया है, यानी किसी भी प्राइवेट स्कूल के बराबर आ गया है आज हमारे सर्वोदय कन्या विद्यालय में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड में कांस्टेबल बहाली की दौड़ में शामिल 15 युवाओं की मौत पर अत्यंत भयभीत उसको बताया और इसके लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि फिजिकल टेस्ट के नाम पर भीषण गर्मी में युवाओं को दौड़ाने के लिए मजबूर करने की वजह से घटना सामने आई है। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार की शाम आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने मृत युवाओं के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। गरीब घरों से, गरीब फैमिली से लोग आए फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा पास आज का ताजा जो खबर है उसका अनुसार 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है और फिजिकल टेस्ट देते हुए 15 युवाओं का निधन हुआ, मृत्यु हुआ। हमारा देश में कभी भी सेना का नियुक्ति में भी इतना बड़ा लोगों का निधन नहीं हुआ है, कभी सीआरपी बीएसएफ का निधन में भी कभी इतना बड़ा संख्या में युवाओं का निधन नहीं हुआ है, या असम बंगाल बिहार में भी कभी भी पुलिस बहाली में इतना बड़ा युवाओं का निधन नहीं हुआ है। आज ये युवाओं का जो निधन हुआ है, उनका जो मृत्यु हुआ है, उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार क्या देने वाला है? आपने बहाली का लास्ट डेट में जैसे बोला था जुलाई 2023 में आपने निर्धारण किया था, आपने फिजिकल टेस्ट अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करते थे, किसी युवाओं का निधन नहीं होते थे। आज आपने एक फिजिकल टेस्ट का आपने फॉर्मेट बनाया और आपने लोगों को कंपेल किया कि गर्मी में भी आप दौड़ो। युवाओं का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, हेल्थ चेकअप नहीं हुआ और बिना मेडिकल चेकअप, बिना हेल्थ चेकअप युवाओं को आपने आप दौड़ने में दौड़ने के लिए आपने मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे हृदय स्पर्शी घटना को हम हमारे जितना भी शक्ति है ये शक्ति से हम इसको निंदा करता हूं। हेमंत सोरेन जी और उनका सरकार अभी युवाओं का मृत्यु का कारण बन चुका है। ऐसे बड़ा दुर्घटना हमारा देश में कोई कोने में। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम इस कानून का तत्काल क्रियान्वयन चाहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है, हम परिणाम चाहते हैं, यह सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों हमरा चाहिए बोलते पारतम लॉ एंड जुडिशियरी स्टैंडिंग कमिटी ते गेछे किना, हमरा चाहिए बोलते पारतम पार्लियामेंटरी प्रोसीडियर एंड प्रैक्टिस अनुजाई सिलेक्ट कमिटी। कोलकाता के आरजीका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि सीबीआई ने हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष समेत 3 लोगों को संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर टीएमसी के नेता कुणाल घोष का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, सीबीआई को बलात्कार और हत्या के वास्तविक मामले पर अपडेट देना चाहिए। तो अरेस्ट हो गया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, जो होना चाहिए वो होने दीजिए। लेकिन ये जो असली मैटर है रेप और मर्डर का, उसका अपडेट क्या है ये भी तो सीबीआई को बताना चाहिए। जो एक ही अरेस्ट हुआ वो तो 12 आवर्स के अंदर कोलकाता पुलिस ने ही वो एलिगेशन
जिसका ऊपर थे वो संजय राय को अरेस्ट कर लिया था, उसका बाद क्या हुआ, क्यों इतना डिले? जस्टिस इज डिलेड, दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। और ये डिले अभी क्या हो रहा है, जिस लोगों को मन में आघात है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो मिस कैंपेन कर रहा है, फेक न्यूज डाल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया के तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।